आज खेलते हैं हम केबीसी, यानी कौन बनेगा चैंपियन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग दो कंप्यूटर बने हैं। ठीक है, इसी जो ये जो कंप्यूटर है इसमें प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। ठीक है, प्रश्न दिए चार, उसके ऑप्शन है। ठीक है, तो केबीसी खेलने के लिए कौन आ रहे हैं? दीक्षा भट्ट। ठीक है, तालियों से दीक्षा भट्ट का स्वागत किया जाए। ठीक है, सबसे पहले दीक्षा भट्ट अपना परिचय दीजिए बेटा। मेरा नाम दीक्षा भट्ट है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। इधर देखना ना, इधर इधर। मेरा नाम दीक्षा भट्ट है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। और यहाँ पर इनाम भी रखा हुआ, अगर आप 15 सवालों के सही सही जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा कलर और पेन। ठीक है मैम जी, तैयार हो? मैम जी। दीक्षा आप तैयार हो बेटा? मैम जी। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न है, मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आपके ऑप्शन है, पहला है 74 बार, दूसरा है 72 बार, तीसरा है 71 बार और चौथा है 68 बार। सोच समझ के उत्तर देना बेटा। मैम बी, 72 बार। बी, 72 बार लॉक किया जाए। मैम जी। तालियां। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो? मैम जी। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? आपका पहला ऑप्शन है 2005, सेकंड ऑप्शन है 2008, थर्ड ऑप्शन है 2012 और फोर्थ ऑप्शन है 2014। मैम 2008। पक्का? मैम जी। ठीक है, शाबाश। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो? मैम जी। प्रश्न 3 है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन ये रहे, नंबर 1 है प्रधानमंत्री को, दूसरा है राष्ट्रपति को, तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री को, चौथा ऑप्शन है जनता को। सोच समझ के यहाँ पर आंसर देना बेटा। मैम दूसरा, राष्ट्रपति को। श्योर? मैम जी। लॉक किया जाए। अगला प्रश्न है बेटा, प्रश्न 5, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन रहे, नंबर 1 गंगा, नंबर 2 है यमुना, नंबर 3 कावेरी और चौथा है गोदावरी। मैम नंबर 2 यमुना। श्योर हो? मैम जी। लॉक किया जाए। मैम जी। और यहाँ पर जो आपका आंसर है एकदम सही, तालियां। अब यहाँ पर पहला पड़ाव आपने पार कर लिया, सेकंड पड़ाव के लिए तैयार हो? सेकंड पड़ाव का पहला प्रश्न है बेटा आपके पास, कि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? सोच समझकर आंसर देना है। ठीक है, नंबर 1 है पुष्कर सिंह धामी, नंबर 2 है त्रिवेंद्र रावत, थर्ड है धन सिंह रावत और फोर्थ है मोहन सिंह। मैम धन सिंह रावत, थर्ड। श्योर हो? मैम जी। लॉक किया जाए। मैम जी। और यहाँ पर आपका जो आंसर है एकदम सही है, तालियां। अगले प्रश्न के लिए तैयार है? मैम जी। अगला प्रश्न है बेटा आपके पास, जो प्रश्न 7 है, फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन नंबर 1 है कैंसर, दूसरा ऑप्शन है कब्ज, तीसरा ऑप्शन है पथरी, चौथा ऑप्शन है शुगर। मैम नंबर 2 कब्ज। क्या है? कब्ज। श्योर हो? मैम जी। लॉक किया जाए। मैम जी। ठीक है, शाबाश, कब्ज सही उत्तर। अब बढ़ते हैं प्रश्न 8 की ओर। प्रश्न 8 है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो समझ के आंसर बताना बेटा। नंबर 1 है शिवराज सिंह, दूसरे योगी आदित्यनाथ, तीसरे सुखविंदर सिंह सुक्खू या चौथे पुष्कर सिंह धामी। तीसरा सुखविंदर सिंह सुक्खू।
चोरो लॉक किया जाए। सुखविंदर सिंह सुख एकदम सही जवाब। अगला प्रश्न है नवा, अल्मोड़ा के वर्तमान डीएम कौन है? ठीक है, आपके ऑप्शन ये रहे, नंबर एक श्री प्रदीप कुमार, नंबर दो वंदना सिंह, नंबर तीन श्रीमती सोनिका, या नंबर चार श्री अंशुल सिंह। सोच समझ के उत्तर देना बेटा। मैम दो वंदना सिंह। शोरो लॉक किया जाए। आपका आंसर एकदम सही है, शाबाश वंदना सिंह। दूसरे पड़ाव का सबसे लास्ट का प्रश्न है, प्रश्न 10। जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? जसपाल राणा का नाम सुना है इससे पहले? शाबाश बेटा। ऑप्शन है आपके पास निशानेबाजी, सेकेंड ऑप्शन है फुटबॉल, थर्ड ऑप्शन है हॉकी और फोर्थ ऑप्शन है क्रिकेट। मैम पहला निशानेबाजी। निशानेबाजी श्योर हो? मैम जी। आपका आंसर बिल्कुल सही है, निशानेबाजी। और यहाँ पर आपने दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया। ठीक है, अगला जो लास्ट पड़ाव है इसके प्रश्न थोड़ा कठिन है, तो सोच समझ के आंसर देना। गेम को आगे बढ़ाया जाए, तैयार हो? ठीक है, प्रश्न 11 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? नंबर एक वल्लभ भाई पटेल, नंबर दो राजेंद्र प्रसाद, नंबर तीन है भीमराव अंबेडकर, और चौथा है लास्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैम तीसरा भीमराव अंबेडकर। लॉक किया जाए। आपका आंसर एकदम सही है, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है 12वां, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है नंबर एक ग्राहम बेल, दूसरा है मार्टिन कूपर, तीसरा है एडिशन ने, चौथा है जेम्स वाट। मैम दूसरा मार्टिन कूपर। श्योर हो? मैम जी। लॉक किया जाए जी। और यहाँ पर आपका जो जवाब है बिल्कुल सही है, मार्टिन कूपर ने। प्रश्न 13, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इसको सबसे पहले किसने बताया था? आपके ऑप्शन ये रहे, नंबर एक है न्यूटन ने, दूसरा ऑप्शन है गैलीलियो ने, तीसरा है आर्यभट्ट ने, चौथा है कॉपरनिकस ने। मैम चौथा कॉपरनिकस ने। श्योर हो? लॉक किया जाए। शाबाश एकदम सही, कॉपरनिकस ने। अगला प्रश्न 14वां, सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? आपके ऑप्शन नंबर एक है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है हीलियम, चौथा है प्रोपेन और ब्यूटेन। मैम चौथा प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, सोच समझ के आंसर देना बेटा। ठीक है, कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है? आपके ऑप्शन नंबर एक है निशा, दूसरा है रजनी, तीसरा है निशीत, चौथा है तम। तो बताइए आंसर। मैम चौथा तम। शोरो? मैम जी। आपका आंसर एकदम सही है, दीक्षा के लिए जोरदार ताली। दीक्षा जीत गई है, कौन बनेगा चैंपियन? दीक्षा के लिए जोरदार तालियां। और यहाँ लास्ट में जो विजेता होगा उसको क्या दिया जाएगा? इनाम दिया जाएगा। यहाँ पर इनाम के लिए जो लाए गए हैं पेन और कलर, और दीक्षा को ये जो पेन और जो ये कलर है वो दिए जाते हैं। शाबाश।